नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मलोक की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ की 6 बेहतरीन एक्शन ड्रामा रोमांस क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर पर बनी ये फिल्में। दोस्तों, आज की सभी फिल्में हिंदी में YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी, मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियल अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 6 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन मिस्ट्री एडवेंचर थ्रिलर वाली फिल्म द घोस्ट, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में नागार्जुन, सोनल चौहान और अनेका सुरेंद्रन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो इंटरपोल का एक पूर्व अधिकारी कहर बरपाता है और वैश्विक अंडरवर्ल्ड में सदमे की लहरें भेजता है। वह कार्रवाई में लापता हो जाता है, लेकिन अपने प्यारे परिवार के लिए वर्षों बाद फिर से जीवित हो जाता है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.1 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 64% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा रोमांस वाली फिल्म बेबी, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में आनंद देवरकोंडा, वैष्णवी चैतन्या और विरज अश्विन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो पड़ोसियों और बचपन के दोस्तों के बीच एक प्रेम कहानी चलती है, और जब वे कॉलेज जाते हैं और एक नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके रिश्ते का क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 8.1 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 94% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2021 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन कॉमेडी वाली फिल्म हीरो, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में ऋषभ शेट्टी, गणवी लक्ष्मण और प्रमोद शेट्टी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो एक नए एक कुख्यात गैंगस्टर के घर में अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलता है। मुश्किलें और बढ़ती है जब वह गैंगस्टर के एक आदमी की मदद से उसे भागने में मदद करता है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 77% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2020 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म नानू मैथ्यू गुंडा, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में शिवाजी के आर पेट, संयुक्त होरनाड और प्रकाश बेलवरी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो ऑटो रिक्शा चालक शंकर को रास्ते का एक कुत्ता मिलता है, जिसे वह गोद लेता है और उसका नाम गुंडा रखता है। हालांकि कुत्ते के प्रति बेहद प्यार के कारण उसका निजी जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 94% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है 2023 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म गुरुदेव हौसला, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में धनंजय, अमृता लांगर, नवीन शंकर, बीएस अविनाश और अनिरुद्ध भट्ट के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो गुरुदेव होयसला एक नैतिक रूप से ईमानदार पुलिस निरीक्षक को एक साथी अधिकारी के लापता होने की जांच करने के लिए अथानी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि एक संदिग्ध युवा जोड़ा जल्द ही मामले को उलझा देता है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.8 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 92% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा संगीत क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म मेस्ट्रो, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है।
और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में नितिन, तमन्ना भाटिया, नाभा नितेश और जिशु सेनगुप्ता के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो पियानो वादक संगीत कौशल को बढ़ाने के लिए अंधा होने का छलावा करता है, बाद में उसे रेस्तरा में नौकरी मिल जाती है। हालांकि जब वह अपनी चाल जारी रखता है और एक हत्या होते देखता है तो वह जाल में फंस जाता है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 70% लाइक्स मिला है। दोस्तों ये थी वे साउथ की 6 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।